गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री 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 शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तारुवाक पर रख के ध्यान करो। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आयम सद्गुरु विषय पे बात करने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने आपके विभिन्न प्रकार के विचार रखे और
आपके दृष्टिकोण से सद्गुरु को समझने का, सद्गुरु को समझाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, यह एक अलग ही दुनिया का ये शब्द है, अलग ही दुनिया का शक्ति का स्रोत है। इसलिए हमारे सामाजिक जीवन में इस दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस विषय को समझा ही नहीं जा सकता है। हमारी बुद्धि इस विषय पे जाके कुंठित हो जाएगी, क्योंकि यह विषय बुद्धि से परे है, समाज से परे है, व्यवहारिक दुनिया से भी परे है। क्योंकि अध्यात्म के नाम पर परमात्मा के प्राप्ति के नाम पर हम जो भी कर्मकांड करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी लिखते हैं, जो हवन करते हैं, माला फेरते हैं, इन सब की एक परिसीमा है। एक ही कर्मकांड, एक ही कार्य सब मनुष्य नहीं करते। एक विशिष्ट धर्म के लोग विशिष्ट पद्धति से करते हैं, अलग धर्म के लोग अलग पद्धति से करते हैं। लेकिन सत्य अटल, सत्य सदैव विश्व में मान्य है। उसको किसी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से सारे विश्व में सूर्य सिर्फ एक है, किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी भाषा का भेदभाव सूर्य कर ही नहीं सकता। यानी हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो भाषा है, उस भाषा से ये विषय समझ में नहीं आएगा। और किसी भी भाषा से, किसी भी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति इस विषय को परिभाषित नहीं कर सकता है, इस विषय पे बात नहीं कह सकता है। क्योंकि ये विषय किसी भाषा में समाहित होने वाला नहीं है। ये विषय किसी शब्दों से बताया जाए, ऐसे कोई शब्द दुनिया में है ही नहीं। तो ये व्यक्ति, ये देहधारी पुरुष, कल मैंने आपको बताया विश्व चेतना जो कण कण में फैली हुई है, वो यानी परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट हो गया। धर्म
यानी वो सजीव ज्ञान, मेरे शब्दों पे जोर दीजिए, सजीव ज्ञान। यह सजीव ज्ञान सजीव देहधारी पुरुष ही दे सकता है। ये सजीव ज्ञान प्राप्त किया हुआ पुरुष निर्जीव पुस्तकों से ज्ञान लेके आपको नहीं दे सकता। इसके लिए इसकी पहली आवश्यकता है, ये एकदम अनपढ़ व्यक्ति हो, एक ऐसा व्यक्ति हो जिस व्यक्ति ने कोई भी निर्जीव पुस्तकें पढ़ी ही नहीं हो। पुस्तकें निर्जीव है, आप सजीव हैं, तो निर्जीव पुस्तकें आपसे श्रेष्ठ नहीं है। सजीव ज्ञान वो आपको कभी नहीं दे सकती। इसलिए पहाड़ के पास शुद्ध इच्छा नहीं है, नदी के पास शुद्ध इच्छा नहीं है, समुद्र के पास शुद्ध इच्छा नहीं है। शुद्ध इच्छा सिर्फ एक मानव के पास है। तो एक ऐसा मानव जिस मानव ने ज्ञान को प्राप्त किया है, ज्ञान सजीव रूप में प्राप्त किया है, निर्जीव पुस्तकों से नहीं। यानी सर्वप्रथम वो अनपढ़ व्यक्ति होना चाहिए। महाराष्ट्र में एक संत होके गए जिन्होंने एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं था, और आज विश्वविद्यालयों में उनके ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान उतरा था जो भाषा से परे था, जिसको पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। मैं उस सजीव ज्ञान की बात कर रहा हूं। दूसरा, यह व्यक्ति समाज का न हो, एक जंगल का व्यक्ति होना आवश्यक है। इसलिए कि भारत में इस सजीव ज्ञान को वहन करने वाले मुनि हैं, वो मुनि समाज में नहीं रहते, उनकी एक अलग ही बसाहत है, उन मुनियों की एक अलग ही बस्ती है। वो बस्ती के मुनि कभी समाज में नहीं आते, समाज की तरफ देखने का उनका दृष्टिकोण भी नकारात्मक है, वो समाज को पसंद नहीं करते और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो समाज में आ ही नहीं सकते, इतने एकांत में वो रहते हैं। तो ऐसे जंगल में रहना वाला व्यक्ति जो मुनि है, वो आपके कोई काम का नहीं, वो संचालक है, इस सजीव ज्ञान का संचालक है, लेकिन वो आपके कोई काम का नहीं, क्योंकि वो आप तक पहुंचेगा नहीं। फिर ये परंपरा ऋषियों ने संजोई हुई है, ये सजीव मार्ग का संचालन सिर्फ ऋषि करते हैं। उनका संबंध वहां भी है, उनका संबंध यहां भी है, एक माध्यम का, एक पुल का कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक व्यवहारों से परे हो, समाज से अलग थलग हो, उसे व्यवहार का कोई ज्ञान न हो, क्योंकि ये सजीव ज्ञान व्यवहारिक दृष्टिकोण से बाहर है। हमारी पुस्तकें इतिहास बता सकती हैं, हमारी पुस्तकें पुराने चरित्र बता सकती है, लेकिन जो हो चुका है वो पुस्तकें बताती है, जो हो रहा है वो ऋषि बताते हैं। इस सजीव ज्ञान के संचालक वह ऋषि होते हैं, और ऋषि का निर्माण
बहुत कठिनाइयों से, बहुत समय के शुद्ध इच्छा के बाद होता है। 7 जन्मों तक सिर्फ दूसरे के कुछ देने की इच्छा से जन्म लेने से जो 8वां जन्म होता है, उस 8वें जन्म में उसे एक करुणामय शरीर की प्राप्ति होती है। देखिए, करुणामय शरीर एक सुपात्र शरीर है, जो सुपात्र शरीर पे गुरु कृपा बरसती है। गुरु कृपा कोई पुस्तकों की वस्तु नहीं है, गुरु कृपा कुछ पढ़ी जाने वाली वस्तु नहीं है, गुरु कृपा की कोई सीमा नहीं होती। यह गुरु कृपा उस सुपात्र व्यक्ति पे बरसती है जिसका पूर्ण देह का निर्माण करुणा से किया गया हो। व्यवहार में भी कुमार उस दिए को फेंक देता है जिस दिए में तेल रखने की क्षमता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जिसमें जितनी अधिक करुणा का सागर हो, जिसमें जितनी अधिक दूसरों को देने की इच्छा हो, ऐसा व्यक्ति सुपात्र व्यक्ति कहलाता है। और ऐसा सुपात्र व्यक्ति करुणा का सागर है। ऐसा करुणा का सागर जब 800 साल के बाद निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद में वो मुनियों की, जो समाज में आ नहीं सकते, उन मुनियों की कृपा दृष्टि उस पे बरसती है, आती है। वह चैतन्य के एकमात्र माध्यम से आती है। चैतन्य का माध्यम वो माध्यम है जिस माध्यम से सजीव ज्ञान प्राप्त होता है। सजीव ज्ञान वो ज्ञान जो भाषाओं से परे है, वो ज्ञान जो सीमाओं से परे है, वो ज्ञान जो धर्मों से परे है, वो ज्ञान सजीव ज्ञान कहलाता है। ऐसा सजीव ज्ञान उस व्यक्ति पे बरसता है जो व्यक्ति जीवित है भी जीवित नहीं भी, यानी वो देह से स्वरूप में है, देह के स्वरूप में है, लेकिन देह के स्वरूप में नहीं है, यानी वो देहधारी होके भी देह में नहीं है, जिसके अंदर का मैं पूर्णतः समाप्त हो गया हो, इसके अंदर सिर्फ दूसरे के लिए करुणा ही बाकी रह गई हो, ऐसा सुपात्र व्यक्ति इस गुरु कृपा का पात्र होता है। आपको सुपात्र बनने के लिए अधिक से अधिक अपने पात्र को बड़ा करना होगा। आपका पात्र आपके दूसरे की कार्य करने की इच्छा से, दूसरों को मदद करने की इच्छा से जितना विकसित होगा, उतने ही आपकी पात्र की क्षमता बढ़ती जाएगी। और आप जितना दूसरों को देते जाएंगे, उतना ही आपके पात्र का विस्तार क्षण प्रतिक्षण बढ़ते जाएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, और एक करुणामय सागर का निर्माण उस सुपात्र में हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ जाए, ऐसा व्यक्ति आपके तरफ एक दृष्टिक्षेप कर दे, आपको स्पर्श कर दे, आपके लिए इच्छा मात्र कर दे,
उसके इच्छा मात्र से सजीव ज्ञान प्रवाहित हो जाता है और सजीव ज्ञान प्रभावित हो जाने के बाद आपके भीतर जो परमात्मा का अंश है वह आत्मा के रूप में विद्यमान है, वो प्रज्वलित हो जाता है, वो जल जाता है और जल जाने के बाद उस आत्मा के प्रकाश में आपका और आपके आसपास का सारा अंधेरा दूर हो जाता है और दूर होने के बाद में क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से ही होना शुरू हो जाता है। यानी वो सजीव ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपके भीतर का धर्म जागृत होता है और धर्म जागृत होने के बाद में आपको सब नॉलेज सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि आपके इच्छा मात्र से आप उसके विषय की सारी जानकारी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये जानकारी लेना है। ऐसी इच्छा करने मात्र से ही आपको सब जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह सजीव ज्ञान का क्षेत्र किसी देश की किसी भाषा की किसी जाति की किसी रंग की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। यह अति विशाल है, इसमें सारा विश्व समाहित हो गया है। अब ऐसे देहधारी ऋषि को पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, सवाल ये आता है। जानने के लिए हमारे पास वो आँख नहीं है जिस आँख के द्वारा हम उसको पहचान सके, हम उसको जान सके। वो व्यक्ति कोई पुस्तक नहीं है जिसको हम बाजार से खरीद सके, वो हमारे को भाषा नहीं मालूम जिस भाषा से हम उसे पढ़ सके, हम उसे पहचान सके। हमारे कान उतने सशक्त नहीं है कि हम उसकी आहट को जान सके। तो हमारे पास जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो व्यवहारिक बुद्धि है, ये सब उसको जानने के लिए, ये सब उसको पहचानने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर उसको पाने का, उसको पहचानने का, उसके सानिध्य में जाने का कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग है? तो मार्ग है सबसे पहले हमारी निर्जीव पुस्तकों से प्राप्त की गई बुद्धि को हमको तिलांजलि देना पड़ेगी, बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। जब इस बुद्धि को छोड़ोगे तो इस बुद्धि के घर्षण से निर्मित आपके भीतर का अहंकार, आपके अंदर का मैं मरता चला जाएगा। और जैसे ही आपके अंदर का मैं मरता चला जाएगा, धीरे धीरे आपके भीतर का सजीव ज्ञान का स्रोत उगता चला जाएगा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान से, व्यवहारिक बुद्धि से इस सजीव ज्ञान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। ये दो चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। सर्वप्रथम उसे छोड़ना होगा। जब आप छोड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सजीव ज्ञान का उदय धीरे धीरे होने लग गया है। दूसरा, जब वो ज्ञान का उदय हो जाएगा, सजीव ज्ञान अनुभव होने लग जाएगा, अनुभव होने के बाद एक विशिष्ट चेतना, विशिष्ट चैतन्य की अनुभूति हमें प्राप्त होगी और वो प्राप्त होने के बाद एक आत्मिक शांति आपको महसूस होगी। जितने
धर्मों के कर्मकांड है, इन सब कर्मकांडों का एक ही उद्देश्य, एक ही रास्ता है कि आपको आपकी निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हो जाए। ये निर्विचारता की स्थिति जैसे जैसे आपके भीतर का सजीव ज्ञान जागृत होगा वैसे वैसे वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, ऐसे ऋषि के सानिध्य में आके, ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में आके आप एक आत्मिक शांति महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों ने सद्गुरु को हलवाई कहा, लेकिन मैं कहता हूँ सद्गुरु वो रोटी बनाने वाला रसोईया है जो रोटी को जलने भी नहीं देता और कच्ची भी नहीं रखता। कहने का मतलब, जब आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, अहंकार से आपकी रोटी जलने लग जाएगी, तब आपकी रोटी को वो पलट देगा, उसको कच्ची भी रहने नहीं देगा, बराबर सेकेगा और सेकते समय वो आपको चटके देगा, तो उसकी अग्नि से उसको सहन करना भी बड़ा कठिन कार्य है। जीवंत गुरु का सानिध्य कई पुण्य के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, और वो सद्गुरु सदैव सत्य कहता है, सच कहता है। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, इसका उसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका कार्य आपको खुश करना, आपको प्रसन्न करना है ही नहीं। उसका कार्य आपको सत्य के दर्शन कराना है। सारी दुनिया आपके अहंकार को पुष्टि करती है, आपके अहंकार को बढ़ाती है। सद्गुरु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आपके अहंकार को कम करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, सदैव आपके भीतर के मय को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसका प्रयास सदैव ही रहता है कि आपके भीतर का मय कम हो जाए, मय समाप्त हो जाए। वो उसी का ही इंतजार करते रहता है। जिस प्रकार एक कुम्हार एक मटके को तैयार करता है, उसको सेकता है, उसको पकाता है, और पकाने के बाद में ही उसके भीतर पानी डालता है, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु अपने शिष्य को तैयार करता है, उसे सेकता है, उसको पकाता है, और पकाने के बाद में जब उसको विश्वास हो जाता है कि ये मटका पूर्णतः पक गया है, तभी उसमें चैतन्य का जल, चैतन्य का प्रवाह प्रवाहित करता है। कहने का मतलब, आपको उसकी तैयारी करना होगी, और जैसे जैसे आप तैयार होते जाएंगे, आप देखेंगे वो अनुभूतियाँ दिन प्रतिदिन आपके भीतर आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, सद्गुरु के सानिध्य में आने के बाद जैसे जैसे आपके भीतर का मैं, आपके भीतर का अहंकार, आपके भीतर के दोष समाप्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु के सानिध्य में आने मात्र से सर्वप्रथम आपको आपके दोष दिखाई देते हैं। यानी वो एक आयना है, वो एक मिरर है, जिसके सामने जाने मात्र से सर्वप्रथम आपको ही आपके दोष दिखाई देंगे। फिर जब तक दोष दिखाई न देते हो, दोष दूर किए नहीं जा सकते, इसलिए सर्वप्रथम दोष दिखना महत्वपूर्ण है। जैसे दोष आपको दिखना शुरू होते हैं, धीरे धीरे दोष कम होना शुरू हो जाते हैं। तो सद्गुरु एक मिरर है, सद्गुरु एक आयना है, इसके सानिध्य मात्र में आपके दोष आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जैसे जैसे आपके भीतर का मैं समाप्त होते जाता है, वैसे वैसे एक नई प्रक्रिया का आपके भीतर उदय होना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया लगने की है, आपको भीतर से कुछ लगना शुरू हो जाता है। जैसे सद्गुरु को देखा तो प्रथम बार रहता है,
लेकिन प्रथम बार देखने मात्र से भी ऐसा लगता है कि ये कुछ पहचाना सा है। इसकी पहचान पुरानी है, ये आपको लगने लग जाता है। सद्गुरु कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन आपको लगने लग जाता है ये बहुत ज्ञान का सागर है, ये लगने लग जाता है। ये लगने की प्रक्रिया मन की मनोदशा है, आत्मा की मनोदशा है। आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन होने के बाद, आत्मा का आत्मा के साथ संबंध होने के बाद में आपको ये अनुभव धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। आपको वो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि व्यवहारिक जगत की भाषा उसने बोली हुई नहीं है, उसने पढ़ी हुई नहीं है, वो मौन रहता है। लेकिन मौन में भी वो कई ऐसी बातें आपको बताया जाता है, ऐसी बातें आप जान जाते हैं। वो एक भाषा चैतन्य की भाषा है, उस चैतन्य की भाषा से आपको लगाव हो जाता है। आपका कनेक्शन होने के बाद उस चैतन्य की भाषा के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें आपके भीतर आना शुरू हो जाती है। भले ही आप एक बीमार व्यक्ति हो, लेकिन इसके सानिध्य में जाने मात्र से आपको स्वस्थ लगना शुरू हो जाता है। आप एक समस्या से ग्रस्त व्यक्ति हो, लेकिन आप उसके सानिध्य में जाने मात्र से आपकी समस्या दूर होती लगती है। ये लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक पॉजिटिव वे हो, एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपके भीतर आ जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण देने वाले व्यक्ति का नाम सद्गुरु है। एक आपके जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे देता है, और वो सकारात्मक दृष्टिकोण एक बार आपके भीतर प्रवाहित हो जाए, प्रवाहित होने के बाद में हर चीज सुंदर लगना शुरू हो जाती है, हर चीज अच्छी लगना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपका देखने का दृष्टिकोण, आपका देखने का नजरिया पूर्णतः बदल जाता है। जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग आप यही महसूस करते हैं, उसके सानिध्य में महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दृष्टिकोण पूर्णतः सकारात्मक हो गया है। और सकारात्मक होने के बाद फिर आपके कार्य करने की क्षमता, आपके कार्य करने की शक्ति आपको ही प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी ने भी बताया कि गुरु कृपा के अंदर एक बैरियर बन जाता है, एक दीवार बन जाती है, उसका प्रोटेक्शन आपको प्राप्त होता है। लेकिन वास्तव में प्रोटेक्शन तो आप ही आपका निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका समर्पण होता चला जाएगा, आपका ध्यान की उच्च स्थिति प्राप्त होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके आसपास एक आवामंडल, आपके आसपास एक ओरा बनता चला जाएगा, और वही आपको प्रोटेक्ट करेगा। यह सिर्फ गुरु कृपा में ही संभव है, लेकिन गुरु इसके लिए कुछ नहीं करता। गुरु सिर्फ एक माध्यम मात्र है, गुरु एक निमित्त मात्र है, क्योंकि गुरु का खुद का अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से एक सर्वश्रेष्ठ पाइप, वो पाइप है जिस पाइप के भीतर कुछ भी न हो, निखालस हो, खाली हो, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु एक अस्तित्व विहीन व्यक्ति है। उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो एक माध्यम मात्र है, वो एक मीडिया मात्र है। इसलिए आप सोचते हैं कि वो आपको कुछ दे सकता है, तो वास्तव में वो आपको कुछ नहीं दे सकता। और अगर आप सोचते हैं आप उसको कुछ दे सकते हो, तो आप उसको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक ऐसा पात्र है जिस पात्र में जो भरा हुआ है वो ना तो निकाला जा सकता है, ना उसमें और डाला जा सकता है। तो जब डाला ही नहीं जा सकता, तो आप उस पात्र में क्या डालेंगे? उसमें जो डाला हुआ है वो आपके पास है ही नहीं। दूसरा, आप निकालेंगे क्या? क्योंकि उसके अंदर का स्रोत जारी है, उसमें से निकलने के बाद में भी वो उतना का उतना रहता है, उसको आप अक्षय पात्र कह सकते हैं। इसलिए गुरु एक अस्तित्व विहीन व्यक्ति है, जो एक निखालस माध्यम है, विश्व चेतना का माध्यम मात्र है, उसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप समर्पण दे सकते हैं और चैतन्य ले सकते हैं। यहाँ एक यही व्यवहार संभव है, बाकी सारे व्यवहार आपके मनोदशा के अनुसार है। उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। दूसरा, जैसे जैसे आपकी ध्यान की स्थिति
अच्छी करते जाते हैं, आपकी खुद की स्वयं की स्थिति इतनी उच्च अवस्था तक पहुंच जाती है कि उसके बाद में आपके संबंध उस विश्व चेतना के साथ सुदृढ़ हो जाते हैं। गुरु सिर्फ एक माध्यम मात्र है। जिस प्रकार से बच्चों के 2-3 साल तक एक बाबा गाड़ी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से आपके 3 साल के आध्यात्मिक जीवन में आपको गुरु की नितांत आवश्यकता है। लेकिन 3 साल के बाद आप आपके पैरों पे चलने के काबिल हो जाते हैं, आप इतने सक्षम हो जाते हैं। सक्षम होने के बाद में आपको सद्गुरु के माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा, एक कल्पना कीजिए, आप हरिद्वार में हर की पौड़ी पे घाट के ऊपर बैठे हुए हैं और गंगा जी वहाँ पे बह रही है, और बहती हुई उस शुद्ध गंगा जल को अगर आपको पीने की इच्छा है तो आपके घाट पे आया हुआ जल ही आपको पीना पड़ेगा। जो जल उस घाट से बह चुका है, वो बह चुका जल आपके कोई काम का नहीं है। उस जल को आप देख सकते हैं लेकिन आपकी प्यास उस जल से कभी नहीं बुझ सकती। बुझने के लिए, आपको आपकी प्यास बुझाने के लिए आपके घाट पे बहता हुआ पानी ही पीना होगा। अगर वह पानी आप पिएंगे तो ही आपकी प्यास बुझ सकती है। देखिए, सद्गुरु कोई शरीर नहीं है, सद्गुरु एक चैतन्य का प्रवाह है, सद्गुरु एक चैतन्य की धारा है। उस धारा का प्रवाह अगर आपके जीवन से होता हुआ जा रहा हो तो आप उसमें डुबकी मार सकते हैं, आप उसको पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कभी आज एक शरीर है, कल दूसरा शरीर होगा, पहले और शरीर हो चुके होंगे, तो शरीर बदल सकते हैं, शरीर का बदलाव हो सकता है, लेकिन स्वरूप एक ही है। आपका चित्त उन शरीरों पे नहीं जाना चाहिए, आपका चित्त उस स्वरूप पे जाना चाहिए, आपका चित्त उस चैतन्य की धारा पे जाना चाहिए। तो गुरु कृपा, गुरु एक प्रवाह है, जो प्रवाह सदैव बहते रहता है, उसमें स्वरूप उसके अनुसार बदलते जाते हैं। दूसरा, गुरु के बारे में यहाँ विषय में बात हो रही थी, तो गुरु यानी आपका आत्मा, आपके आत्मा को जो जागृत कर दे, आपके गुरु को जो जागृत कर दे, वो सद्गुरु है। सद्गुरु का कार्य आपके आत्मा को आपका गुरु करना है। लेकिन धीरे धीरे जब आपके भीतर का गुरु जागृत हो जाए, आपके भीतर की आत्मा जागृत हो जाए, आत्मा जागृत होने के बाद में वो इतनी सशक्त हो जाती है कि सशक्त होने के बाद में उस आत्मा का पूर्ण नियंत्रण आपके ऊपर हो जाता है, फिर आपके हाथ से कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उधर ध्यान न देते हुए आप आपके आत्मा को सशक्त करो, आपके आत्मा को आपका गुरु बनाओ, और गुरु बनाने के बाद में आप महसूस करेंगे आपके भीतर से आपकी आत्मा आपको गाइडेंस करेगी, आपकी आत्मा आपको बताएगी, आपकी आत्मा आपको बोलेगी, और वो जो कुछ बोले वो नहीं, परमात्मा की विश्व चेतना, परमेश्वर की शक्ति बोल रही है, ऐसा सुन करके उसको आप उसके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे कि जीवन में कभी कोई समस्या, जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए सद्गुरु उस विश्व चेतना का माध्यम मात्र है। वो माध्यम अगर आपके जीवन में आपको मिल जाए तो आप उस माध्यम से अपनी विश्व चेतना को प्रज्वलित कर सकते हैं, अपनी विश्व चेतना के साथ विश्व की विश्व चेतना को जोड़ सकते हैं। और जितना विश्व चेतना में आप जुड़ते जाएंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाएगी। दूसरा कि मोक्ष, यह एक वह सुअवसर है जिस अवसर का लाभ अगर आप सकारात्मक रूप में हो, उस समय अगर आप निर्विचारता की स्थिति में हो, उस समय आपकी कोई कामना न रह गई हो, उस समय आपकी कोई इच्छा न रह गई हो, उस समय अगर आपका कोई बैर न रह गया हो, ऐसी शून्य की अवस्था में
अगर आप मृत्यु का वर्णन करते हैं तो सीधे मोक्ष को जाते हैं। मोक्ष गुरु दे नहीं सकता, गुरु मोक्ष का मार्ग बता सकता है, लेकिन मोक्ष का मार्ग आपको ही आपका पाना होगा। निरंतर सदैव अगर आप ध्यान में रहते हैं, सदैव अगर आप मेडिटेशंस में रहते हैं, तो एक निर्विचारता की स्थिति आपको सदैव प्राप्त होती है। और उस स्थिति में जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। अभी एक प्रश्न मुझे लोगों ने पूछा है कि आप बता रहे हैं कि ध्यान के लिए ध्यान सर्वोच्च है, तो फिर इन मंदिरों की आवश्यकता क्या है, इन मंदिरों का क्या करें, ऐसा प्रश्न मुझे पूछा गया है। देखिए, जैसे हम कॉलेज में पहुंच गए तो हम प्राइमरी स्कूल का क्या करते हैं, प्राइमरी स्कूल में दूसरे बच्चों के लिए छोड़ते हैं, दूसरे बच्चे उस प्राइमरी स्कूल में आ सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मंदिर वो प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे मन की एकाग्रता करने के लिए लोग जा सकते हैं और जाना चाहिए। तो कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप है, आपको गुरु कृपा के अंदर कॉलेज में जाने का दाखिला मिल गया, कॉलेज में जाने की जगह मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को वो मिल ही जाए। तो प्राइमरी में प्राइमरी को बच्चों को पढ़ने दीजिए, मिडिल में मिडिल के बच्चों को पढ़ने दीजिए, हाई स्कूल में हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ने दीजिए। जिसकी जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उनको शिक्षक मिलेंगे, उनकी योग्यता के अनुसार उनको प्रवेश मिलेंगे। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो इस आध्यात्मिक जीवन का कॉलेज है। तो तीन बातें जो आज बताने की कोशिश की, सर्वप्रथम विश्व चेतना यानि परमात्मा, धर्म यानि एक वो सजीव ज्ञान जो आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता है, और तीसरा सद्गुरु यानि वो जीवंत सशक्त सजीव ज्ञान का माध्यम सद्गुरु है। ये तीनों बातें आपको स्पष्ट समझ में आ गई हूँ ऐसा मैं समझता हूँ। नमस्कार। हे धरती माँ, मेरे जन्म के पूर्व अनेकों गुरु के रूप में परमात्मा इस धरती पे अवतरित हुए, इस धरती पे चले, धरती पे साधना की, उन सब गुरुओं को आपके माध्यम से आज मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हे धरती माँ, मेरे जन्म के बाद भी भविष्य में अनेकों गुरु इस धरती पे अवतरित होने वाले हैं, तब मैं नहीं रहूँगा तो भी मैं आपके माध्यम से उनको नमस्कार कर रहा हूँ। और आज विद्यमान में जो गुरु इस धरती पे अवतरित हैं, उन सभी गुरुओं को आपके माध्यम से मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है।